उत्तर प्रदेश के रोडवेज कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के भूतेश्वर बस स्टैंड के सामने स्थायी लगे डिवाइडर को हटाया जाए। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का कहना है, पुलिस स्टेशन प्रशासन ने जाम से निजात पाने के लिए भूतेश्वर बस स्टैंड के सामने रोड पर डिवाइडर लगा दिया है, जिसकी वजह से रोडवेज बस वर्कशॉप से निकलकर पहले टैंक चौराहे की ओर जाती हैं, तब वहां से लौटकर भूतेश्वर बस स्टैंड आती हैं। इस चक्कर में करीबन 5 से 6 किलोमीटर तक रोडवेज बसों को मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है, जबकि वर्कशॉप से भूतेश्वर बस स्टैंड मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार प्रत्येक बस पर लगभग 100 रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, जिसमें उन्होंने मांग की है रोडवेज वर्कशॉप से निकलने वाली बसों को सीधे भूतेश्वर बस स्टैंड जाने की अनुमति दी जाए। वहीं उनका कहना है भूतेश्वर बस स्टैंड के सामने से रेलवे की जमीन से गोवर्धन कोसी जयपुर मार्ग पर प्राइवेट बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गोवर्धन चौराहे पर पुलिस प्रशासन बसों को पुल के नीचे नहीं आने दे रहा। यदि किसी यात्री का अनुरोध या दबाव में बस को पुल के नीचे लाया जाता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा चालक और परिचालकों के साथ अभद्रता की जाती है, बस का चालन कर दिया जाता है। जिससे उन्होंने मांग की कि गोवर्धन चौराहे के पुल के नीचे यात्रियों की सुविधा की दृष्टिगत बसों को यात्री उतारने और चढ़ाने की अनुमति दी जाए एवं डग्गेमारी कर रहे वाहनों पर अंकुश लगाएं। जयप्रकाश शुक्ला, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या लेकर आए? हम रोडवेज के बस अड्डे के सामने एक डिवाइडर लगा हुआ है अस्थाई, और हमारी बसें वहां से मात्र वर्कशॉप से 100 मीटर की दूरी पर, हमें हमारा स्वयं का बस अड्डा है, उसमें घुसने के लिए हमें टैंक चौराहे होते हुए भूतेश्वर तिराहे से वापस होते हुए तब हमें बस अड्डे में आना पड़ता है। उसमें लगभग 5-6 किलोमीटर हमारी गाड़ी घूमती है, जिससे रोड पे जो मेन रोड है उस पे ट्रैफिक अधिक बढ़ता है। भाई एक बस जाएगी 5-6 किलोमीटर उस पे घूमेगी तो ट्रैफिक भी अधिक बढ़ेगा, लेकिन हमारी 100 मीटर की दूरी पे हमारी गाड़ी बस अड्डे में घुस जाए, उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो डिवाइडर है बस अड्डे के सामने वो हटाया जाए, जिससे निगम को राजस्व की हानि भी ना हो। कम से कम एक गाड़ी पे 100 रुपये का डीजल फूक जाता है, तो सरकार की उसमें हानि भी हो रही है और समय भी अधिक लग रहा है और ट्रैफिक जाम भी हो रहा है उससे। गोवर्धन चौराहे बोलो जब, और उसके बाद गोवर्धन चौराहे पे भी हमारी बसें जाने से रोकी गई हैं। तो हाँ, जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? तो आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम SP ट्रैफिक को लिखें देंगे, तो SP ट्रैफिक उसका समाधान करेंगे। क्या नाम है? जिलाधिकारी कार्यालय आए, मैं श्यामवीर सिंह नाम है मेरा, मैं उत्तर प्रदेश रोडवे कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ मथुरा डिपो से। DM कार्यालय पर हम इसलिए आए हैं और DM साहब से हमने एक निवेदन किया है, जो हमारे नए बस अड्डे भूतेश्वर पर जो बैरिकेटिंग लगी हुई है, अगर वो बैरिकेटिंग हट जाती है तो हमारे परिवहन विभाग का संचालन गाड़ियों का सही रहेगा, और से निगम हित में हमारा लाखों रुपये का पर डे का नुकसान है और राजस्व विभाग की हानि हो रही है। और उनसे DM साहब से हमने मुलाकात की तो उन्होंने आश्वासन SP ट्रैफिक को दिया है और इस तो बोलेगा इसका समाधान वो करेंगे। इसके उपरांत एक यतेंद्र दरोगा जी ट्रैफिक पुलिस से हैं और उन्होंने बस अड्डे पर इतना आतंक मचा रखा है, जैसे उन्हें रोडवेज गाड़ी दिखी और उनको पता नहीं BP उनका कितना हाई हो जाता है, वो अधिकतर रोडवेज बसों का 30,000 रुपये का चालान कर रहे हैं और प्लस गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। इससे राजस्व विभाग और रोड परिवहन विभाग की बहुत बड़ी हानि हो रही है, तो हम ये बैरिकेडिंग हटवाने के लिए आए और मुख्य बस अड्डे के सामने से हमारे जो मुख्यालय के जो आदेश हैं, मुख्यालय के आदेश हैं कि 1 किलोमीटर दूर से प्राइवेट गाड़ियों का संचालन होना चाहिए, वहाँ से हमारी छातियों पर से ये संचालन हो रहा है, बिल्कुल 10 फीट की दूरी पर से संचालन रोडवेज विभाग के सामने से जो हमारा बस अड्डा है वहाँ से प्राइवेट वाहनों को डग्गेमारी की चरण सीमा पर गाड़ियां चल रही हैं, जयपुर चल रही हैं, भरतपुर चल रही हैं, आगरा चल रही हैं, दिल्ली चल रही हैं। हमारा परिवहन विभाग का इतना नुकसान हो रहा है, जैसे गोवर्धन चौराहे पर हमारी गाड़ी अगर निकल जाती है तो निकलने के बाद में क्या है कि वो प्राइवेट वालों को तो ये ट्रैफिक पुलिस है जो वो भरवा रही है खड़े होकर के, खुली छूट है, खुलेआम भरो कितनी भी गाड़ियां भरो आप, और अगर रोडवेज की गाड़ी पहुंच गई तो उसका तुरंत चालान है और तुरंत बंद किया जाता है और ड्राइवर कंडक्टर से अभद्र व्यवहार किया जाता है
और उनको गाली गलौज दी जाती है, ये बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों, हमने आप डीएम साहब को अपना ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने संतुष्ट किया है कि एसएसपी ट्रैफिक देखेंगे इसको। अगर वो नहीं देखते तो फिर हम अपना आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हमने निवेदन किया है, अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर आगे हम किसी चीज़ पर आगे के जाने के लिए किसी पर बात देंगे। सुन बात मेरी, घर 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 तू घर से निकल, निकलना जरा सामने हो खड़ा, घर से नजर मिला, अब बता ये है क्या तेरा या किराएदार तू, कभी अरमान नहीं आया के बने लैंडलॉर्ड तू। पर ऐसा नहीं है बॉस, के घर ना मिले चाहे खुली हो या फ्लैट, जो चाहिए तू ले ले। IIFL होम लोन लाए हैं 30 लाख तक के, इजी होम लोन सिर्फ 30 मिनट में, आसान डिजिटल प्रोसेस और कोई हिडन चार्जेस नहीं। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। डायमंड जेम्स स्टोन, श्री बांका बिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान। हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न उचित रेट पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, होली गेट, मथुरा। मैं विशाल अग्रवाल राया वाले उन्हें आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। मोटिवेशन 100% तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी, रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन्स और मिनरल्स, बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन। जसवंत टेलीकॉम, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयर लीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम, आपके विश्वास का नाम, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017।